साफ साफ मस्जिद नजर आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नजर आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नजर आई, मतलब काफी चीजें। और हम इधर रहे ना, हमारे दो दिन हम उधर रहे थे कश्मीर उस LOC से आगे, हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं था। कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर, मंदिर इतने ज्यादा और हजारों साल पुराने की तारीख है जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और दो दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू कर रहे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहां पे हम खड़े। अब दो बंदे थे, निमड़ा को कहते हैं आप यहां से हमें इंटरव्यू भी ना लो, इतनी रूड उन्होंने बात की। क्यों? उसके उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो और नहीं तो क्या। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। वहाँ के लोग पिट रहे थे, वो कहते कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता जब दिल करता तो बंद करती है। सिम्स भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। जब हम LOC के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ओ तेरी गैर, ओ सामने इंडिया है। कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज, हम मुसलमान अब ये कहते हैं कश्मीर हमारा। दोस्तों अक्सर भारत में जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भारत में मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल भी, उनको फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल भी वो सेफ नहीं है, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब ये नींव रखी गई थी कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, वहां पर खुशहाल रहेंगे, उनकी तरक्की होगी, उनको डेवलपमेंट होगी, और वो हिंदू लोग बहुत ही गंदे लोग हैं, ये मुसलमानों को बिल्कुल भी ठीक से नहीं रखते हैं, हिंदुओं के साथ तो मुसलमान रह ही नहीं सकता है। आज इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं जब आप देखते हो आज के टाइम पे लगभग 80 साल हो चुके हैं। इस 80 साल के कालखंड में भारत ने क्या मुसलमानों के साथ अन्याय किया? अगर आप देखोगे जनसंख्या के आंकड़े तो भी ये लगी से नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, कहीं से भी ये देखने में नहीं लगता है कि मुसलमानों को हिंदुओं के साथ या हिंदुओं को मुसलमानों के साथ कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन मुसलमान जो पाकिस्तान में गए उन्होंने वहां के हिंदुओं को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। कहते हैं आजादी के टाइम पर वहां पर जो 10-12-15% हिंदू थे, आज वहां पर इक्का दुक्का हिंदू ही बचते हैं, 1-2% भी नहीं है, और आप ढूंढने से भी आपको हिंदू नहीं मिलेगा तो हिंदू कहां चला गया? हिंदू वैसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। तो क्या पाकिस्तान में कभी हिंदू नहीं था? वैसे ही कश्मीर का जो हिंदू है, कश्मीर भी कहा जाता था कि ऋषि कश्यप का बसाया हुआ कश्मीर था, लेकिन आज वहां पर हिंदू बहुत ही कम हो गए हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो सना अमजद के यूट्यूब चैनल से मैं लेके आया हूं, और इन्होंने जो यूट्यूबर है पाकिस्तान के वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए और इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, आइए देखते हैं इस वीडियो में, अपनी राय में बताता रहूंगा। तो आप वीडियो पूरा जो देखिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों भाइयों और बहनों, तो आप जरूर कर लीजिए। दिखाई देती है पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं, अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कश्मीर का टूर कैसा रहा, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लोगों ने अपने क्या ख्यालात, क्या एहसासात इनके साथ शेयर किए। तो आइए वक्त को जाया, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशन हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके हम देख कर आए सिचुएशन क्या वहाँ के, हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने मुजम्मिल, आपसे शुरू करते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ। यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है, और खतरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है खूबसूरती, बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विजिट करके आएंगे, आपने विजिट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता ना एक दफा, देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नजर पड़ती है लोगों की आम रूटीन की जिंदगी के ऊपर, के उनकी जिंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ दो कश्मीर, इस चार कश्मीर है टोटल, कश्मीर एक है जिनके बंटवारा चार किए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। चार कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी तीन पाकिस्तान के पास है, सॉरी दो पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया, इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जाने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात है, लोग वहां पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे, यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े वहां पे कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है, लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूं, अनम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती है आपको।
को भी। अनम, क्या फर्क देखा वहाँ पे जब नजर पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, क्या फर्क नजर आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल एलओसी की बात करूंगी। वहाँ पे जब हम एलओसी पॉइंट पे गए ना तो बिल्कुल साफ साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नजर आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर जमीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सबकी सब बंजर जमीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना वो भी हमें पैसों का मिलता है। और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है हमारे इधर भी, लेकिन वहाँ के फसलों पर पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर जमीन, एंड एलओसी से आगे भी हम शारदा भी गए तो काफ़ी जगह पर गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है, हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। गेहूँ की फसल ऐसे लहरा रही थी लेकिन पाकिस्तान की तरफ आप देखो तो वहाँ पर वीरान पड़ा हुआ था, कुछ ज़्यादा वहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो यही चीज़ जो है वो एलओसी पर मतलब बॉर्डर पर जो कश्मीर आमने सामने है उनमें ये डिफरेंस देखने को मिला। तो क्या मिला, मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये बोलते थे कि हमें भारत से अलग होना है, हमें हिंदुओं से अलग होना है, तो क्या मिला आपको? मेरा ये मानना है कि अगर हिंदू हैं, 10 हिंदू हैं और उसके बीच में 2 मुसलमान बड़े आराम से रह सकते हैं, बड़े सुख से रह सकते हैं, लेकिन अगर वो दंगा ना करें, तो अगर वो गाय को ना काटें, तो अगर वो मंदिरों को मूर्तियां ना तोड़ें, तो बड़े आराम से सुख से रह सकते हैं 10 हिंदुओं के बीच में 2 मुसलमान, लेकिन 10 मुसलमानों के बीच में 2 हिंदू सुख से नहीं रह सकते। इसका क्या रीजन है ये ढूंढना पड़ेगा उन लिबरल को, उन लोगों को जो सेकुलर बनते हैं, उन लोगों को भी ये चीज जरूर ढूंढनी पड़ेगी भैया क्या ऐसा रीजन है, क्यों ऐसा होता है। हिंदू जो है वो बहुत ही जो है शांत कौम है, बहुत ही सुख शांति से रहने वाली कौम है। हम कभी भी किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करते हैं, इतिहास गवाह है, भारत ने कभी भी अटैक नहीं किए कि ये बाहर के देशों पे। और अंग्रेजों की बनाई हुई कई थ्योरियां सब की सब फेल हो गई हैं, तो इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, आगे का वीडियो देखते हैं। जरों में क्या हसरत आपने देखी जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नजर जाती होगी और वो आजाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नजरों में हसरत नजर आई आपको? बहुत ज्यादा। मैं बताना चाहूंगा इस बारे में, कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा, बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशन थे, जो लोगों के कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा ताया अम्मी अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, वो कहने लगे कि वहां पर भाई इतनी जिंदगी की सहूलियत है। ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे, जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपनी हालात किस तरह से बदलेंगे, आप मैं आपके क्या हेल्प करूं, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा बताओगे नहीं तो हालात कैसे चेंज होंगे। तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है, कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी जिंदगी वो गुजार रहे, इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती। अगर वहां पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही कश्मीर के अंदर, और बहुत सारी चीजें, अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी हमारी कंपनी अपना मॉल भी बनाने जा रही है, इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ। अब जो लोग कहते थे कि धारा 370 खत्म होने की वजह से बहुत बुरा हो गया, हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टी है वो भी ये कहती है, और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं धारा 370 हम आएंगे तो धारा 370 को दोबारा से बहाल कर देंगे। अरे भाई वहाँ तरक्की हो रही है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, आप खुद सुन सकते हो, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान के रिएक्शन देते हैं, पब्लिक इनको काफ़ी रिसर्च भी ये लोग इन्होंने किया होगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो ऐसे तो कोई वीडियो नहीं बनाता है, उसमें रिसर्च होता है, काफ़ी मेहनत लगी होती है। तो वो लोग जब ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटने से कश्मीर में फ़ायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, 5G हुआ है, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी खर्चा किया जा रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर वहां पर आ रहा है, तो अब धारा 370 कितना बड़ी बाधा थी आप यहां से देख सकते हो, कितनी बड़ी बाधा थी हमारे कश्मीर की आगे बढ़ने में। यहां से आपको पूरा का पूरा 100% जो है वो यहां पर दिख रहा है चीजें, तो ये डिफरेंस जो है वो नजर आना चाहिए आपको भी। कुछ नहीं हो रहा तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आजादी दे दो, आप हमें आजादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो, ये वाला हाल पाकिस्तान में। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के, आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आजादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं वहां पर, लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की यकीनन हमारी गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के
लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, इसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए। मैंने ना LOC के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये LOC के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया, ऐसा ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके LOC पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया गया। लेकिन आप ये देखें कि एक दफ़ा भी वहाँ पे LOC पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था? आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से अपनी जुबानी बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानब या उस इंडिया की जानब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, हुकूमत की जानब से, दोनों हुकूमतों, मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है। लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोज़ के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी, जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ID कार्ड पर पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है, कि आप में से किसी ने इस पे कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं जिंदगी की फैसिलिटीज, जो जितनी ज्यादा फैसिलिटीज देगा इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहे। आपके फॉर एग्जाम्पल के आपके दो चाचा, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधों के नहाओगे, पौधों के फलोगे, तो पता नहीं इस तरह की मिसाल गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर चाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल इंडिया दे रहा है। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं, तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें जिंदगी की वो सारी फैसिलिटी दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था, डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकालकर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की, इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊँ कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज यही रोना होता है, हर रोज वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है, इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊँ आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट है, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो वो गिलगित के पास है, वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती है वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा अनम, आपने LOC की उस पार जम्मू कश्मीर में क्या क्या मनाजिर देखे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो लोग, चलो आपको कश्मीर के रिलेटेड, यकीन करो जब हम वहां पर गए ना, वो तो निमरा हमारे साथ ही, निमरा रोने लग पड़ी, निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे। और ना ऐसा कोई निजाम है कुदरत का कि अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि जब LOC हमने देखी ना, सामने एक ब्रिज था, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था, और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज्यादा डेवलपमेंट। आप देखेंगे तो वहां पर टावर भी लगा हुआ 4G का, 5G का, दो टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से नजर आ जाती है हमें, और गाड़ियां इतनी वेल सेटल, और घर आप तामीर देखेंगे तो इतने प्यारे घर बने थे, हम हैरान रह गए 5 मिनट के लिए। बात हम जब खड़े थे वहां की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत बात की। तो मतलब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इतनी भी वो चीजें नहीं है जितना हमारा मीडिया कवर कर रहा है इस टाइम। लेकिन जो हमें बताया जाता है, क्योंकि हम वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर सुन रहे थे वहाँ की अजान की आवाज़ आ रही थी, और लोग नमाज के लिए जा भी रहे थे, और वहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसे ही चल रही थी, और इवन के बच्चे भी खेल रहे थे। अगर ऐसा हो तो बच्चे क्या खेले, घरों में रहे, जैसे कि यहाँ पर गोलाबारी करके सहम के मायों ने घरों में बिठा के रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ के लोगों ने खुद भी बताया कि भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि अंदर के जो कुछ एरियाज हैं उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं,
तो वो कुछ एरियाज के ऊपर जो है मतलब हालात ठीक नहीं है, अदरवाइज पूरे कश्मीर में हालात ठीक है। इवन के हमें साफ साफ मस्जिद नजर आई, हमें साफ साफ स्कूल नजर आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नजर आई, मतलब काफी चीजें। और हम इधर रहे ना, हमारे दो दिन हम उधर रहे थे कश्मीर उस LOC से आगे, हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे, वो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं, मतलब फोन के सिग्नल चले, एक तो इंटरनेट होगा फोन के सिग्नल, और इंडिया में वहाँ पे 5G आ चुका है, जब लॉन्च करने जा रहा भाई 6G लॉन्च। ये डिफरेंस है ना, अभी देखे ना कि वहाँ के कश्मीर अब हमारे पास रह के वो क्या किस चीज की फैसिलिटी लॉन्च कर रहे हैं। नीलम वैली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की, वहाँ के लोग पिट रहे थे, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता जब दिल करता तो बंद कर देती है, उनसे ही लेनी पड़ती है आम, वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई, और पहली दफा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है जी। वो शायद आपने नाम सुना होगा एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है, ये दो एरियाज के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारी सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है, बाकी मोबाइल्स के नेट अलाउ नहीं करती आर्मी के, वहां पर आके आप मतलब सबसे एक्सपेंसिव। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात बता रहे हैं भाई साहब, जहाँ पर जो सिम है वो भी उनकी आर्मी बांटती है, लोकल कोई भी मतलब प्राइवेट कंपनी कभी अपनी सिम बेच ही नहीं सकती। वाह जी वाह, नेटवर्क है, अगर पूरे आप पाकिस्तान के नेटवर्क सिस्टम को निकालेंगे, नेट को सर्च करेंगे, तो सबसे एक्सपेंसिव ये एस्कॉम की सिम है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मोस्टली हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं अक्सर, कश्मीर कौन डिजर्व करता है, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर कश्मीर को एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सारी चीजें बताई है, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, लेकिन आपकी आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर की जाना चाहिए। डेफिनेटली जो चीजें आपने बताई हैं वो थोड़ा अंदर से डरा भी रही हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारक है, तो हमने अपनी शारक का ये हाल किया हुआ है, मतलब मुझे सुनकर जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने वहाँ पे कश्मीरियों के लिए तो जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई है ना। तो मुझे बताएं कि इन सारी सूरत हाल के बाद जो कि आप देख कर आए, और एक साफ साफ मनाजिर हमें नजर आ गया कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, अब तो वो कोई दो राय रही ही नहीं ना कि हम कहें जी इंडिया के जो मीडिया है वो गलत कवरेज कर रहा है या वो गलत खबरें फैला रहा है। अब तो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यंग यूट्यूबर जो है वो खुद जाकर देख कर आए और कवरेज करके आए। तो अनम पहले आप बताएं क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि कश्मीर को ना, दोनों साइड के कश्मीर को एक अलग रियासत होना चाहिए। सेकंड, वहां के जो लोग हैं इस गुर्बत की जिंदगी में, इवन उन्होंने ये भी बताया कि हमें 3 महीने के अंदर 1 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का, 3 महीनों के अंदर, आप खुद अंदाजा लगाएं 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता। तो उन लोगों ने अपनी जुबानी, कुछ लोगों ने, कुछ नहीं मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का, तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की जुबानी थी। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे मेरे सवाल के जवाब? आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कश्मीरियों का मौकफ होगा वो मेरा मौकफ है, लेकिन एक अगर अनम है या आप हैं तो आपकी जिंदगी का फैसला करने का मेरे पे कोई हक नहीं है। मैं कभी भी आपकी जिंदगी का फैसला करूँ, आपकी जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको आजाद बनाया तो मैं आपको कैद क्यों रखूँ? इसी तरह कश्मीरियों का मौकफ है, कश्मीरी जो चाहते हैं, कश्मीरियों का जो कहना है, यकीन करें कि हर इंसान चाहता है कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, दूसरे लोगों की जिंदगी से उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छे तरीके से गुजारे। मुझे यही लगता है कि जिस तरह का मैंने विजिट किया ना कश्मीरी, यकीन करने के पहले पाकिस्तान के साथ रहना जरूर चाहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान से भी अलग होकर वो यही कहते हैं कि खुद मुख्तार। मैंने 5-6 इंटरव्यू किए जिसमें मैंने ये पूछने की कोशिश की कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी आजाद रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या फिर खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो यकीन करें दो बंदों ने मुंह में उनकी बात आते आते वापस चली गई, लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा कि हमें पहले तो खुद मुख्तारी दे, उसके बाद हमारा जिधर दिल करेगा हम जिधर उधर जाएंगे। ये बातें कश्मीरियों ने की। मैं एक बात बताना चाहूंगी, निमरा के साथ हुआ था, हम वहां पे खड़े थे, तो मुजफ्फराबाद उनकी मेन सिटी है, मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी, तो मदीना मार्केट वहां पे हम खड़े, अब दो बंदे थे, निमरा को कहते हैं आप यहां से हमें इंटरव्यू भी ना लो, इतनी रूड उन्होंने बात की। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। तो उसने निमरा ने कहा कि मैं पाकिस्तानी, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मतलब हर एक जैसा एक जैसा थोड़ी होता। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा पाकिस्तान एक जैसा है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप यहाँ आइयो, आप वापस चले जाओ। यहाँ ऐसे लोग भी थे वहां पर। अच्छा, आपने पाकिस्तानी झंडे कितने देखे कश्मीर में? राउंड अबाउट कुछ थे, ज्यादा कश्मीरी थे उनके जो अपने मिक्सअप थे, कश्मीर के और पाकिस्तान के झंडे मिक्सअप थे, लेकिन जब हम LOC के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ओ तेरी घर, ओ सामने इंडिया, यकीन करे हम तंग रह गए। कितनी देर तक हवा नहीं चढ़ी थी, हम कह रहे थे ले हवा चला दो, हमने देख रहा था, मतलब फ्लाइट नहीं हो रहा था ना, वो एक जगह पे रुका हुआ था, हम कह रहे थे हवा चले, हम देखे हवा चले, इस तरह का मंजर। इंडिया के झंडे को कश्मीर में लहरा
नहाता हुआ देखना चाह रही थी। हम इतनी दूर से गए थे, देखना तो था हमने। और यकीन करें, शारदा तक गए, शारदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे मंदिर कहा जाता है और बहुत खूबसूरत था। यकीन करें कि पुरानी हिस्ट्री अगर देखनी है, और ये बातें सारी मैं आपको बताऊं कि जो मेन सिटी मुजफ्फराबाद है वहां के भी कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज, हम मुसलमान अब ये कहते हैं कश्मीर हमारा। अब ये सर्च करें, ये कड़वा सच है, मैं बता नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया। तो कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बता दिया कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर, मंदिर इतने ज्यादा और हजारों साल पुरानी की तारीख है जी। हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और दो दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है, वो भी विजिट किया हमने, बहुत खूबसूरत एरिया। और वो मंदिर में जाकर पुरानी वो प्रेजेंस हमें नजर आती है हिंदुओं की, कि कितने ज्यादा हिंदू वहां पर थे और काफी अच्छी जिंदगी गुजार थे, हो सकता है। लेकिन जब से हम गए उधर तो हमने उनसे वो भी छीन लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर इंसान को उनकी राइट देना चाहिए। मसा बाद में पहले इंसानियत है, मानते कि नहीं इस बात को? बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि वहाँ पे तालीमी निजाम जो है वो किस तरह का है? दोनों तरफ पे जाना चाहूंगी, वहाँ की क्या मनाजिर थे? अब इन्होंने बोला कि भैया पहले इंसानियत फिर मजहब, लेकिन आपका तो इस्लाम ये कहता है कि पहले मजहब फिर इंसानियत फिर सब कुछ। पहले तो मजहब है ना। आप क्या कहते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, यही कहते हो ना आप? तो पहले तो आपका मजहब आता है, आपकी कुरान खुद कहती है कि भैया मजहब सबसे पहले है। तो अब मेरे को लगता है इनको थोड़ा पढ़ा लिखे सेकुलर है, पाकिस्तान के सेकुलर, देख लो इनको क्या किया मनाजिर। इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, इस बारे में यकीन करें। मतलब हम दोनों कितना जज्बातियों के बता रहे हैं कि हमने हर एक चीज देखी हुई है। वहां पर मेन सिटी के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, मतलब उनके मुजफ्फराबाद मेन सिटी है और वहां पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। और आप यकीन करें, शारदा तक गए हम, शारदा से आगे नहीं गए, शारदा तक गए, वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। शारदा के अंदर इतनी बर्फ थी और उस बर्फ में बच्चे बाहर जो ये जैसे हमारे थड़े नहीं बने होते यहाँ पे बैठ के तो पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बना हुआ था वहां पर बैठ के बर्फ के ऊपर पढ़ रहे हैं वो। और यकीन करें कि इतने बुरे हालात है, लाइट ही नहीं है उन लोगों के पास यार, 24 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे उनको लाइट प्रोवाइड की जाती है और लाइट भी एक्सपेंसिव दामों में। लाइट बनती ही उनकी बिजली, अब देखें लाइट अगर बात करेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डैम की बात करूं तो वो क्या ना कश्मीर के डैम से उनको लाइट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जुल्म इतना है कि उनको तकरीबन 32 रुपीज आई थिंक सो 32-35 रुपीज के पर उनको यूनिट मिल रहा है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के 2 रुपया यूनिट, 1.92 रुपया यूनिट मिल रहा है। आप बताएं कि इंसाफ किधर हो रहा है? अगर इसको जुल्म कहते हैं कि चीजों को सस्ता करके प्रोवाइड करना, अगर आप, मुझे लगता है कि जितना जुल्म मोदी कर रहे हैं इतना जुल्म पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हमारे कश्मीर के ऊपर करना चाहिए, चीजें सस्ती करके जुल्म करें। हमारे यहाँ पर ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि बड़ा जुल्म होता है कश्मीर के अंदर, मैं कहता हूँ ऐसा जुल्म हमारे कश्मीर के ऊपर पूरे पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। चीजें सस्ती करो, लोगों को लाइब्रेरीज दो, उनकी जिंदगी के यूनिवर्सिटीज बनाओ, स्कूल्स बनाओ, तामीरात को ज्यादा प्रेफरेंस दो। अच्छा, आपने मुझे बताया कि वही, वाह मजा आ गया। मतलब ये लोग हैं जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो हालत है इतनी बुरी है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर जुल्म करना है ना तो जैसा हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रही है वैसा जुल्म हमारे ऊपर करो। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जो भी लोग ये बोलते हैं कि भारत में बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ही मतलब बुरे हालात हैं और यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है, तो अब इनसे पूछिए कि बाकी में जो जुल्म जो हो रहा है, तो ऐसा जुल्म जो भारत में डेवलपमेंट वाला जुल्म करो ना, वहाँ पर चीजें को सस्ती करो, तो ये लोग देखो तड़प रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और हमारे भारत में यहाँ पर सब कुछ मिलते हुए भी लोग जो है वो रोते रहते हैं, अरे हमें ये नहीं मिल रहा, अरे महंगाई, अरे बेरोजगारी। ये महंगाई और बेरोजगारी का रोना जो है ये रोते रहते हैं, हजारों सालों से रोते आए हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी ये रोते रहेंगे। और आपने देखा ही है कि बहुत सारे लोग हैं जो लिबरल हैं, जो मौजूदा सरकार से जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये देखिए, ये है तरक्की, इस चीज के लिए हमने वोट करा था, हमने इस चीज के लिए वोट करा था, हमें ये चीज चाहिए थी, हमें डेवलपमेंट चाहिए थी, हमें मजहबों से कोई मतलब नहीं है, हमें पंथ संप्रदायों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस डेवलपमेंट से। आम आदमी जो है वो सस्ते में रोटी खा रहा है हिंदुस्तान में, बाहर आप जाओगे पाकिस्तान में कितनी बुरी हालत है। और आपने सारी चीजें देखी कि किस जो रिएक्शन पाकिस्तानी यूट्यूबर का आया, ये सारी चीजें समझने की बात है। जिसको समझ में आ जाती है ना चीजें, तो वो इनको बेशक अप्रिशिएट करेगा कि अगर ऐसी कोई चीजें हो रही हैं तो इसको अप्रिशिएबल है, अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तो भारत जो है वो काफी आगे बढ़ रहा है, 6G की तरफ हम जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ऐसी वीडियो चैनल पर लेकर आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।